हेलो दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग का ये हमारा फोर्थ वीडियो है और जिसमें हम लोग बात करेंगे सेट्स और ट्यूपल्स के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम जीएस कोड खोलते हैं। जीएस कोड में खोलने के बाद प्रोजेक्ट जो है इसको ओपन कर लेते हैं कमांड ओ से, और ये मुझे लेके जाएगा डायरेक्टरी में जहाँ पर हमने पाइथन बेसिक्स करके फोल्डर बना रखा हुआ है। तो मैंने अपने टैब एनवायरनमेंट्स प्रोजेक्ट में पाइथन एसेंशियल्स करके जो फोल्डर बना रखा है। तो शुरू करने से पहले मैं पहले फॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहूँगा। इसको अगर आप वीएस कोड में हैं तो आप सिंपली कमांड प्लस प्लस दबा करके कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस प्लस मैक से कर सकते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमने बताया था जैसे टच टूपल्स सेट्स डॉट पाई, और ये हमने करके फाइल बना दी जो कि फाइल हमारी यहाँ पर आ गई है। तो जहाँ तक टूपल की बात करते हैं तो पहले मैं कमेंट में कहता हूँ आ टूपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं और ये ऑर्डर्ड होता है चाहे हम कुछ भी कर लें। इस पर मल्टीपल इस पर डुप्लीकेट मेंबर्स हो सकते हैं। और मैं वर्ड रैप करने जा रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा छोटा है, तो वर्ड रैप के लिए ऑल्ट जेड दबा सकते हैं, और ये हमारा लाइट कर गया है। तो ये मेरा कमेंट है जिसको टूपल है। तो एक सिंपल टूपल पहले हम लोग क्रिएट करते हैं, सिंपल टूपल। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली करना पड़ेगा, जैसे एक हमने ले लिया फिर से अपना पुराना एग्जांपल जिस पे बिस्किट्स का मैंने एग्जांपल लिया था। तो बिस्किट टूपल, और इस पे हमने रख लिया टूपल को इनिशियलाइज करने का तरीका है, हमने जैसे ले लिया गुड डे ले लिया गुड डे बिस्किट्स। दूसरा है बिल्कुल ये बिल्कुल एरेस की तरह ही काम करते हैं, ब्रेक ट्रै ब्रिटानिया हमने दूसरा बिस्किट ले लिया, तीसरा हमने ले लिया पतंजलि बिस्किट्स, और चौथा ले लिया है हमने सनफीस्ट। और ये एक हमारी टूपल इनिशियलाइज हो गई। अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने का सिंपल तरीका है, इसको हम लोग बेस्ट टूपल प्रिंट कर देते हैं। तो इस फाइल को रन करने के लिए सिंपल लिखूंगा पाइथन, अगर आप विंडोज पे सिंपली आप लिख सकते हैं पाइथन, लेकिन मैं मैक पे हूँ तो मैं सिंपल पाइथन 3 लिखूंगा टूपल्स और इसको सेट्स डॉट पाई, और ये करके हमारी फाइल रन कर रही है। तो ये बेसिकली एक टूपल आ गया है हमारा। तो अगर मैं इसका टाइप चेक करना चाहूँगा तो टाइप चेक करने के लिए जो हमारा पुराना कमांड था जिसमें टाइप करके उसके अंदर अपना वेरिएबल पास कर देते थे बिस्किट टूपल, और इसको मैं फिर से रन कराता हूँ तो इसने मुझे बता दिया है क्लास है टूपल इसकी। तो ये हमारा सिंपल टूपल था। अब हम एक और तरीका है जो कंस्ट्रक्टर तरीके से इनिशलाइज करते हैं, जिसको हम लोग सिंपली कंस्ट्रक्टर पे इनिशलाइजेशन कहते हैं, initialize tuple by constructor। तो उसके लिए सिंपल लिखेंगे हम लोग, इस लाइन को मैं फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ, और बेसिकली मेथड वही है, और इस लाइन को भी मैं डॉकस्ट्रिंग में डाल देता हूँ। और डॉकस्ट्रिंग आपको पता ही होगा, जैसा अगर आपने मेरा पुराना पहला वीडियो देखा हुआ तो डॉकस्ट्रिंग भी बेसिकली एक फंक्शन को एक टाइप कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जनरली इस पर। तो हम कहते हैं बिस्किट्स टूपल इक्वल टू टूपल, और दो ब्रैकेट्स खोलेंगे दो पैरेंथेसिस खोलेंगे जिसके अंदर अपने सारे, तो मैं लाइन को पूरी कॉपी कर लेता हूँ, और ये एक हमारा तरीका है टूपल को इनिशियलाइज करने का, ये कंस्ट्रक्टर मेथड है। और मैं फिर से ये दोनों लाइन कॉपी करके फिर से इस फाइल को रन कराता हूँ तो मुझे सेम आंसर मिलेगा जो पिछली बार मिला था, सेम पहले हमने टूपल प्रिंट कराया सो मैं रन कराया, सेम आंसर हमको वैसा ही मिलेगा एज इट इज जैसे था।
तो ये है तरीका कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू टूपल को बनाने का। अब नेक्स्ट है हमारा, जैसे इसमें हम लोग चेंज एक सिंगल वैल्यू अगर चाहिए तो टू गेट अ सिंगल एलिमेंट, तो उसके लिए हम सिंपल रिटर्न करेंगे जैसे प्रिंट, और इसमें हमने लिखा बिस्किट टूपल, और इसमें हमने वैल्यू पास करा दी 1। इसको रन करते हैं तो हमको मिल जाएगा ब्रिटानिया। ब्रिटानिया इसका बिल्कुल एरेज की तरह ये भी काम करती है। तो जैसे ब्रिटानिया हमारा फर्स्ट नंबर पे 0 इंडेक्स पे गुड्डे है, फर्स्ट इंडेक्स पे ब्रिटानिया है, सेकंड इंडेक्स पे पतंजलि बिस्किट है, फोर्थ थर्ड इंडेक्स पे हमारा सनफीस्ट है। तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा जो ब्रिटानिया था उसने उसको प्रिंट करा दिया है। तो अब हम बात करते हैं सिंगल टूपल। टूपल विथ सिंगल एलिमेंट, तो इसमें अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो आपको पहले सिंपल बिस्किट टूपल को हमने बनाया, और इसके अंदर इनिशियलाइज करने का एक ही तरीका है। जैसे आप इससे कंफ्यूज मत होइए कि इसमें एस है, प्लूरल में लिखा हुआ है बिस्किट्स, और यहाँ पे सिर्फ बिस्किट है, सिंगल टूपल। तो इसको इनिशियलाइज करने का एक ही तरीका है, सिंपल ही तरीका है, जो कि क्रैक जैक है। तो अगर मैं इसको अभी इनिशियलाइज ऐसे ही इनिशियलाइज करके इसको मैं रन कराऊंगा तो मुझे ज़रूर एरर मिल जाएगा इसके अंदर। और यहाँ से मैंने ऐसा हटा दिया, तो ये दूसरा टूपल है, इसको मैंने रन कराया तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, लेकिन ये मेरे को कहेगा। लेकिन इनिशियलाइज करने का तरीका है कि कॉमा एंड में होना चाहिए। अब बात करते हैं लेंथ की। तो टू के दी लेंथ टूपल, इसमें सिंपली वही है हमारा, बिल्कुल लेंथ फंक्शन के अंदर अपना वेरिएबल पास कर देंगे बिस्किट टूपल, और एक बार हमने बिस्किट्स टूपल दोनों को मैं लेंथ निकालना चाह रहा हूँ, और इसको मैं सेव किया और इसको मैंने रन किया। यहाँ पे उसने मेरे को पहले वाले की लेंथ दे दी है 1, जिसमें क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट है। दूसरे वाले की इसने मुझे 4 दी, क्योंकि इस वाले में 4 एलिमेंट भरे हुए हैं। तो इस वजह से ऐसे करके हम टूपल की लेंथ ही निकाल सकते हैं। अब जैसे मुझे किसी टूपल को डिलीट करना है, टू डिलीट अ टूपल, उसके लिए सिंपल एक तरीका डेल फंक्शन, जो डिलीट मेथड है तो वो डेल से डेल कीवर्ड्स के यूज़ होते हैं। तो अगर मैं पहली वाली टूपल को, इस वाली टूपल को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं लिखूँगा डेल बिस्किट टूपल, और इसको मैं सेव कर दूँगा। और अब मैं रन करूँगा, जैसे कि अगर मैं प्रिंट करता हूँ बिस्किट टूपल को, और अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे ये एरर दे देगा, क्योंकि बिस्किट टूपल ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो ये है एक तरीका टूपल को डिलीट करने का। तो ये था हमारा टूपल के बारे में एग्जांपल। अब हम अगले एग्जांपल पे जाते हैं, जो कि हमारा है सेट्स। तो पहले मैं कुछ बातें सेट्स के बारे में लिखना चाहूँगा कॉमेंट करके। अ सेट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड नहीं रहता है, एंड अनइंडेक्स होते हैं, नो डुप्लीकेशन इज ऑल्सो अलाउड। मतलब अगर एक बार हम जो चीज़ भर दी है उसको दोबारा भरेंगे तो शायद ये एरर दे देगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आजकल नया मार्केट में टीवी के ब्रांड्स आ गए हैं, तो मैंने एक टीवी ब्रांड बनाया वेरिएबल, और इसको मैंने इनिशियलाइज किया कर्ली ब्रेसेस से, इनिशियलाइजेशन होता है। अब इसके अंदर पहले सैमसंग आ गया, दूसरे में हमारा आ गया एप्पल टीवी, आजकल एप्पल के भी टीवीज आ रहे हैं, और तीसरा हमारा हो गया जैसे कि सोनी हो गया, सोनी के बहुत अच्छी टीवीज आती हैं, हमारा आ गया की टीवीज एमआई टीवी हो गई, और हमारी हो गई पैनासोनिक्स सोनिक टीवी। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये जैसे कि मैंने लिंटर इंस्टॉल कर रखा है तो अपने आप ही इसने इसको फॉर्मेट कर दिया है अपने कोड को। और अब मैं प्रिंट करता हूँ टीवी ब्रांड, और मैं प्रिंट करता हूँ इसका, मैं टाइप चेक करना चाहूँगा तो सिंपली वही कमांड है अपना पास, जिसमें मैं अपना मेथड है टाइप मेथड, उसके अंदर मैं टीवी ब्रांड को एंट्री कर देता हूँ और मैं इसको रन कराता हूँ। तो इसने मेरे को बता दिया है कि जो सैमसंग है ये सारा टीवी आ गया, ये सब इसके अंदर आ गया, और ये क्लास सेट होती है।
चलिए मैं इसके अंदर एक डुप्लीकेट नंबर बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर से सैमसंग को ही इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। और अब मैं इसको रन कराऊँगा, गौर से देखिएगा सैमसंग एट लास्ट चला गया है, लेकिन पहले वाले को इसने हटा दिया है क्योंकि ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा था इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, दोनों सेम थी वैल्यूज, तो इसमें डुप्लीकेशन अलाउड नहीं होता है जो कि मेरे यहाँ दिखा रखा है ऑलरेडी। तो अब मैं सैमसंग को पहले से हटा देता हूँ, लास्ट से जो ऐड किया उसको हटा देता हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं लिखूँगा सैमसंग इन, मुझे चेक करना है कोई वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। और इसको मैं रन कराऊँगा तो ये मेरे को देगा फॉल्स। वैल्यू इन सेट। तो अब मैं इसमें सैमसंग हो गया, वही मैं कहूँ एरर क्यों आ रहा है, फॉल्स क्यों इसने बताया। अब मैं इसको रन कराऊंगा और यहाँ पे मैंने फिर से एंट्री की सैम, इसके अंदर मैंने जैसे कि अभी चेक किया, अभी इसके अंदर मैंने चेक किया एल जी इन टी वी ब्रांड। और अब मैं रन कराऊंगा तो दोनों को देखेगा वैल्यू में चेंजेस, पहले वाला ट्रू है क्योंकि सैमसंग इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है बट एल जी इस सेट पे एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से ये फॉल्स इसको दे दिया है। अब हम बात करते हैं टू ऐड एन एलिमेंट इन अ सेट। तो सेट को ऐड करने का तरीका है सिंपली ऐड फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके अंदर अपना वैल्यू पास कर देते हैं। तो अगर मैं टी वी ब्रांड डॉट ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं नया अपना जैसे एल जी टी वी को ही मैं ऐड कराना चाहता हूँ, और इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ टूपल टी वी ब्रांड्स को और इसको मैं सेव करके रन करूँगा। तो ये है तरीका, हमें अभी इसमें पहले फॉल्स आया था क्योंकि इस लाइन को रन करने से पहले यहाँ पे एल जी एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए इसने फॉल्स दिया। लेकिन जब इसने एल जी को ऐड कर दिया है तो देखिए एल जी अपनी पोजीशन पे ऑटोमेटिकली आ गया है। तो ये है बेसिकली, इसमें ऑर्डर अपने आप ही सेट कर देता है पूरा। यहाँ पे देखिए ऑर्डर इसने अपने आप ही सेट कर दिया, सैमसंग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर सॉर्ट कर दिया। तो ये है तरीका जिसकी वजह से हम सेट में एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। दूसरा है टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट। अगर मुझे किसी सेट से रिमूव करना है एलिमेंट, उसके लिए सिंपली हम लिखेंगे टी वी ब्रांड डॉट रिमूव और उसके अंदर अपनी वैल्यू पास कर देंगे। जैसे मैं अब इसमें से सोनी को हटाना चाहता हूँ और मैं अब रन करूँगा, फिर से मैं टी वी ब्रांड वैल्यू को टी वी ब्रांड सेट को फिर से प्रिंट करना चाहूँगा तो मैं इसमें रन कराऊँगा। तो अभी हमारे पास इसमें से इसने सोनी को हटा दिया है ऑलरेडी। तो ये तरीका है एक सेट में से एलिमेंट को हटाने का। अब दूसरा है तरीका है एक सेट को क्लियर कैसे करते हैं, मतलब बिल्कुल एम्प्टी कैसे करते हैं। सो टू क्लियर अ सेट, तो उसके लिए सिंपली लिखते हैं हम लोग टी वी ब्रांड डॉट क्लियर मेथड इस्तेमाल करते हैं और इसको मैं रन कराऊंगा और मैं इसको फिर से प्रिंट कराता हूँ। और अब देखिएगा दोस्तों, जैसे इसमें कि सेट किया, सेट पूरा ये एम्प्टी हो गया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। तो ये है तरीका किसी सेट को क्लियर करने का जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स को आप डिलीट कर दें एक तरीके से, बट वो सेट बचा रहना चाहिए। अब किसी सेट को डिलीट करना है, डिलीशन, तो उसके लिए सिंपली है वही अपना पुराना डेल फंक्शन यूज़ करेंगे, टी वी डिलीट फंक्शन यूज़ करेंगे। और अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इसमें आपको एरर मिल जाएगा क्योंकि वो सेट एग्जिस्ट नहीं करता है, टी वी ब्रांड नाम का जो सेट है वो डिलीट हो गया, ये डिफाइंड नहीं है। ये था सेट्स के बारे में वीडियो। और अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियोस हम बढ़ाते जाएंगे आपके लिए। और ऐसा करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग करते रहेंगे। हैप्पी कोडिंग।